1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति सदन से पारित होने के बाद धनबाद की सड़कों पर जश्न का माहौल देखा गया। कार्यकर्ताओं का यहां हुजूम उमड़ पड़ा। जेएमएम के कार्यकर्ता रणधीर वर्मा चौक पर जुटे, आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। मीडिया से बात करते हुए जेएमएम जिला अध्यक्ष रमेश टुडू और अन्य नेताओं ने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार के नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है। झारखंडियों की जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए 1932 आधारित स्थान खतियान नीति को विधानसभा से पारित कराया गया है और भाजपाइयों को ये पक्ष नहीं रहा क्योंकि उन्हें 1985 को स्थानीयता के रूप में परिभाषित किया था और कुछ लोगों ने मिठाइयां भी बांटी थी, लेकिन झारखंड के जनमानस के अंदर 1932 आधारित खतियान नीति लागू करने की मांग थी जो पूरी हुई है। ये बहुत बड़ा एक हर्ष और उल्लास का माहौल है हमारे झारखंड के पूरे मूल वासियों के लिए, क्योंकि ये काफी लंबे समय से ये लंबित मामला था। 22 साल हो गए झारखंड अलग राज्य हुए, लेकिन यहाँ के जो मूल वासी थे उसका जो एक हक और अधिकार था वो आज तक किसी भी पार्टी के लोगों ने नहीं दिला पाया। 22 साल तक लोगों ने इंतजार किया, लंबे संघर्ष के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने यहाँ के मूल वासियों को उनका हक और अधिकार देने का काम किया है। ये बहुत ही स्वागत योग्य है और इसमें रहने वाले किसी भी लोगों को परेशान और नाराज होने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जो भी अधिनियम लागू हुआ है उसमें यहाँ पे रहने वाले हर एक नागरिक का ख्याल रखा जाएगा, सबका हक और अधिकार का ख्याल रखा जाएगा। 1932 का खतियान ही नहीं, 1932 से पहले से लेकर के अभी तक का 1922 तक के लोगों के लिए इसमें सारा प्रावधान है, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन यहाँ के जो मूल वासी है उनके हक और अधिकार को मारना नहीं चाहिए, ये हमारा प्रयास है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये करके एक बहुत अच्छा मैसेज देने का काम किया है। के बाद आज खुशी की बात है कि हेमंत सोरेन के सरकार के और हेमंत सोरेन के निर्णय से आज स्थानीयों को परिभाषित हुआ है और यह पूरे राज्य के लिए खुशी के जाहिर है और पूरे राज्य में खुशी का माहौल है और पूरे राज्य भर में इसका जश्न मनाया जा रहा है। ये आवाज दिल्ली तक जा रही है। आज हम लोग का अधिकार मिल गया, 1932 का खतियान आज पारित हो गया आपका विधानसभा सत्र में और दिल्ली भेजने का काम किया माननीय हेमंत सोरेन जी ने। आज खुशी हम लोग जाहिर कर रहे हैं और खुशी आज हम खुशी को आज फड़ाका मिठाई और नगड़ा बना करके हम लोग खुशी बर्तन कर रहे हैं। हम ने आज जो पारित किया 1932 पारित किया, खतियान नीति पारित किया और ये बहुत ही खुशी का दिन है, इसलिए झारखंडी जीवन में कभी इस दिन को भूल नहीं। निरसा में पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी के नेतृत्व में एमपीएल विस्थापित और एमपीएल कामगार यूनियन के बैनर तले भव्य जन आक्रोश रैली निकाली गई। आपको बता दें कि एमपीएल गेट के सामने ही दो दिनों से झामुमो के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मासस और जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर नोकझोंक ना हो जाए इसकी वजह से एमपीएल गेट पूरा पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मौके पर निरसा एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खैरवार, निरसा इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। रैली में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। रैली का नेतृत्व पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने किया। पूर्व विधायक ने बताया कि एमपीएल की तानाशाही रवैये का विरोध किया जाएगा, किसी भी कीमत पर तानाशाही रवैया बर्दाश्त नहीं होगा। एमपीएल ने यहां के विस्थापितों के साथ छल किया है, कई लोगों को काम से बैठा दिया गया है, ये गलत है। जल्द ही एमपीएल इन मामलों में सुधार नहीं लाता है तो आंदोलन और उग्र होगा। हमारे साथियों को जो काम कर रहे थे उन लोगों को कुछ दिन पहले निकाल लिया गया और बार बार कहने के बावजूद अभी तक रखा नहीं किया है। चाहे ड्राइवर हो, चाहे आश में जो काम कर रहे हो, चाहे जो लोकल लड़का लोग जो डेथ कर गए हैं उनकी जो घर वाले को नौकरी देने की मामला हो, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं या महिलाएँ साथी है उन लोगों को नौकरी देने के मामला हो, करीब 250 पैप आज भी बाकी है उन लोगों को के नौकरी के सवाल पर, तमाम चीज़ों के लेकर ये आक्रोश रैली है। भविष्य में हम लोग एमपीएल गेट या एस पॉइंट सारा चीज़ हम लोग बंद करने का काम करेंगे अगर जल्द ही इसके समाधान नहीं हो।